Hey guys, welcome to my new vlog. अभी यार सुबह के 11 बज रहे हैं, संडे का दिन है, बट आज काम पे निकल गया. उसका रीजन क्योंकि कल मैंने छुट्टी कर ली थी, जैसा कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग में देखा था. और अभी अभी एक शॉप तो कर लिया है, दूसरी शॉप बंद थी, अब थर्ड शॉप पे जा रहा हूँ. और आज ये तीन ही शॉप करनी है, ज्यादा नहीं करना. उसके बाद डायरेक्ट मैं शॉप पे निकलूंगा. शॉप पे थोड़ी देर बैठने के बाद मैं घर ही निकल जाऊंगा. उसका रीजन दिखाता हूँ आपको. भाई साहब ये देखो भाई, तो क्या हालत है. चावल के लिए तो बढ़िया है, बाकी बारिश इतनी भयंकर है, काली घटा छाई हुई है. वो देखो वहां तूफान चल रहा है, गंदी हालत है यार, बहुत गंदी. ये देखो समुद्र बना दिया खेतों को पूरा. सुबह रात से हो रही है बारिश भाई, रात से लिटरली रात से बारिश हो रही है. और मैं जिस एरिया में, देखो क्या तेज हो गई है. ऑसम भाई, जिस एरिया में हूं ना, ये सारा जो है फील्ड एरिया है. यहाँ पर सारे हाई वोल्टेज खंबे लगे हुए हैं और तार निकल रही हैं. और मेरे को डर लग रहा है कि गलत टाइम पे मैं गलत जगह पे आ गया हूँ. भाई हालत देखो बाहर की यार, बहुत ही गंदी हालत है. अब बाहर फोकस कर, यस ये देखो. ये हम पहुंच गए हैं जैन साहब के पास. अब इन जैन साहब की वाट लगाई जाएगी. ये ज्यादा चौड़े हो रहे थे अभी फोन पे, अभी बताते हैं इनको. गौर से देखो इस, अब देखो इस आदमी को क्या बोल रहे थे. बोलो 50,000 की नौकरी दिलवा रहे तुम ड्राइवरी की, मुझे दिलवाओ. अरे तुम ऐसे ऐसे कराओ, मैं करूंगा, तुम नौकरी दिलवाओ 50,000 की. चलो आओ बाहर निकलो. जाओ, मैं क्यों जाऊं, दिलवाओ तुम. नाम ले देना, ओ तुम इतने नवाब नहीं हो रहे कि तुम्हारा नाम लेना पड़ेगा. सुमित भैया, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया है. सुमित भैया से मिलने आया है. ऐसे करो ना, क्यों क्यों, तुम्हारा दोस्त है. मैं क्यों दिखाऊं अपनी, तुम्हारी दिखाऊंगा. भाई अब जा रहे हैं हम लोग कहाँ. कुछ खा के आएंगे और चाय पियेंगे. चले इसको पैसे दे दिए, वो पैसे डाल देते हो. अरे डाल देगा दोस्त, तुम्हारा ले लूंगा पैसे. मुंह बन गया. ओ दे तो देता मैं अपने, पहले दे देता मैं. ओ एक और आ गया लो. गिलास बाद में लगवाइयो. अब बारिश जैसे की न लगी हो रहा है तो भाई. पूरा चांस नहीं था, पूरा चांस था जिसका आगे इलेक्शन की टिकट इसको मिलेगी बीजेपी से, गन्नौर से क्षेत्र से. कहाँ लगाएं? अच्छा इधर. ओहो नए वाली नंबर प्लेट वाली वर्टस. भाई गाड़ी बहुत प्यारी उतारी है यार वॉक्स वगैरह ने, बहुत प्यारी गाड़ी है यार. गाड़ी है करीबन 17-18 लाख के आसपास की. बेसिक है ना ये गाड़ी. चलो चले मितवा. भाई सब गाड़ी देखो एक नंबर, क्या डैशबोर्ड है गाड़ी का. इस हवेली पे खाएंगे कुछ बढ़िया सा, फिर देखते हैं. इनको चाइनीज खाना है, चाइनीज खिला दो. रात को 2 बजे से वो बारिश चल रही है और ये लोग अब नहीं, इनके पास तो नहीं आया, मेरे पास आया मैसेज. चाइनीज खिला रहे हो क्या हो? प्रोडक्शन मैनेजर. मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये इस खाने में इन्होंने सारी कमियां निकाल दी. मैं इनसे पूछ रहा हूँ, मैं कभी बार तुम्हें फील नहीं होता कि तुम सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालने के लिए पैदा हुए हो? हर चीज में कमियां. खाना ठीक है यार, इतना भी बुरा नहीं है. अब जबरदस्ती कमी निकाल रहे हो क्या? मसाला कुछ भी. भाइयों अभी खाना ना खा के भैया के शॉप पे जाके माल वाल भैया को देखे, उनको छोड़ के मैं निकल चुका हूँ वापसी अपनी शॉप के लिए. अभी मैं पहुंच चुका हूँ मुरथल, पहुंच गया हूँ मैं मुरथल में. अब यहाँ से अपना शॉप जा रहा हूँ और शॉप के बाद जो है देखता हूँ. अभी 2-2.5 घंटा 3 घंटा शॉप पे बैठेंगे, उसका अगर मूड किया तो जल्दी निकल लेंगे, नहीं तो जो हमारा रेगुलर टाइम है उस पर निकलेंगे. जैसा भी होगा वो दिख जाएगा आप लोगों को. जाके थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है वीडियो, वो भी करते हैं. तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको शॉप पे. दुकान पहुंच गए, देखो पानी ऐसे भरा हुआ है.
सिर्फ मात्र 100 मीटर दूरी पे रह गई है। अब उसके बाद बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने खुदाई बंद कर दी है जो कॉरपोरेशन काम कर रहा था। तो अभी शॉप खोली, चले अंदर, यहाँ पर धूप धूप जला के गया था मैं, पंखा बंद कर दिया था, लाइट बंद कर दी थी, चला देते हैं पंखे और लाइट को, थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी, अब बैठते आराम से यार। तो उस टाइम के बाद शॉप के बाद कैमरा मैंने अब उठाया, क्योंकि आज शॉप पे थोड़ा काम था और थोड़ा सा मैं कुछ एडिटिंग कर रहा था, तो इस चक्कर से उठा नहीं पाया। बाकी घर आ चुके हैं बच्चे हमारे, रे हाँ भाई चिक्की हो गया स्टार्ट, हो गया स्टार्ट, ये पापा का बेटू, पापा का बेटू। और मोटे ने डिनर में क्या बनाया है? मैंने डिनर में भंडारा किया, भंडारे वाली सब्जी, दिखाना ये देखो भाई, भंडारे वाली सब्जी, खुशबू काफी अच्छी आ रही है। मैंने इसको मोटे को बोला कि मेरे लिए मतलब पूड़ी बना लूं उनके साथ में, तो उसने वैसे ऐसे मुंह बनाया। और अब चिकू ने बोला है कि पूड़ी बना दो उसका, तो अब आटा गूंथ रहा है पूड़ी के लिए, देखना ये फर्क होता है माँ और पत्नी होने का फर्क है ना। चलो बना लो बढ़िया सा यार, देखो टाइम हो गया है 9:30, अब बनेगा जैसे खाना, जल्दी से खाते हैं यार, भूख लग रही है, और थोड़ी देर अपना मोबाइल वोबाइल लेके उसका सोऊंगा मैं, तो मिलते हैं सीधे।